पिछले साल सेलिब्रेट किया गया था, जो कि एक साल लंबा चलने वाला इवेंट है, जिसके तहत भारतीय सेना की जो गौरवमयी जो एक कहानी है 1971 वार की, जो कहीं ना कहीं दबके रह गया, हमने भुला दिया, आपने भुला दिया, उन चीज़ों को हम एक कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने, अपने शहर के लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। ये एक श्रद्धांजलि है हम सब की तरफ से, जिसमें सारे एनसीसी के एक्स कैडेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अगर 2-3 साल वर्दी पहनी है तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा जज्बा बाकी रह गया। तो हम सब ने एक मतलब ये हमारा सामूहिक प्रयास है, जो वीर नारी सम्मान समारोह के रूप में 18 मार्च को बापू सभागार में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के समक्ष ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 30 वीर नारियों का सम्मान होगा, जिन के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट के अंदर आने वाले जो भी लोग हैं हमारे, वो उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी एनसीसी उड़ान के धीरज जी हैं, सैनटुबा के अमितेश जी हैं, हमारे बीच में ब्रिगेडियर ब्रिगेंद्र सर भी हैं, सहजानंद अंकल को आप लोग सब लोग जानते हैं, तो इनका परिचय अगर हम क्या कराइए, तो खुद ही बड़ा परिचय है। हमारे बीच में डॉक्टर संजय सिन्हा है, ये रिटायर्ड IAS है, लेकिन हम सबके सब एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ सम्मान समारोह नहीं है, हमारे सैनिकों की शहादत जो कहीं ना कहीं भुला दी गई, उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके हम आ रहे हैं। आप लाइव देखेंगे, 1 घंटे का स्किट देखेंगे कि वो का लड़ाई शुरू कैसे हुई, वो ख़त्म कैसे हुआ, भारत ने कैसे विजय हासिल करने के बाद भी दूसरे देश को एक आज़ाद देश बना दिया, उसके ऊपर उसने कब्जा नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इतनी एक अलग राष्ट्र बना दिया, उसके ऊपर कब्जा नहीं किया, नहीं तो आप हर युद्ध का देखेंगे कि परिणाम अघोषित रहता है, क्लियर नहीं रहता है। तो हमारी सेना ने जो शहादत दिया, जो हमारे शहीद हैं उनकी फैमिलीज को भी हमने भुला दिया, तो ये जो भी हमारे वीर हीरोज रहे हैं उनकी कहानी, उनके पीछे जो उनका परिवार है, उसने क्या क्या झेला, वो सारी कहानियाँ आपको उस 3 घंटे के कार्यक्रम में 18 मार्च को दिखाई देगा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस स्टाफ और सेना के बड़े बड़े अधिकारी पूरे भारत से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको वार वेटरन्स भी मिलेंगे जिन्होंने युद्ध लड़ा था और अभी वो हैं, वो आपसे बात भी करेंगे। और ये पूरा 1 महीना चलने वाला कार्यक्रम है, जो वीर नारीज हैं उनके घर पे जाके हमारे एनसीसी के एक्स कैडेट, एनसीसी उड़ान की टीम जाएगी, उनकी वीडियोस बनेगी, उनकी स्टोरी बनेगी, जो आपके माध्यम से, मतलब आपका ही माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है, जो हमारी बातें दूर दूर तक जाएंगी। तो आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, हर दल से, हर धर्म से, हर जाति से उठ के इस बार देश के लिए कुछ करते हैं। किस प्रकार की जो 30 महिलाएँ हैं कौन होंगी? जबकि पतिदेव अपना जान गंवाया है भारत का युद्ध है, खास लोगों को हम लोगों ने चुना है, जो उस समय जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई बहुत हम लोग उसको भुला नहीं सकते, और अभी भी आपको दिखाया जाएगा जिस तरह की लड़ाई हुई और जिस तरह से इंडिया की जीत हुई, ऐसा जीत हो कभी पहले नहीं हो। जब भी लड़ाई होती है तो अधूरा रह जाता है, लेकिन भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ, उस युद्ध में इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली, और उसमें डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं रहूँगा, जितने आर्मी स्टाफ हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं सभी रहेंगे, जो एनसीसी वाले लोग हमारे हैं बिहार में सब लोग रहेंगे, और इस तरह का प्रोग्राम आज तक बिहार में कभी नहीं हुआ है। पूरे देश में वीर नारी प्रोग्राम, जिनके बच्चों को, परिवार को प्रोत्साहन, जिनके बच्चे मिलिट्री में जाते हैं उनका प्रोत्साहन, हमारे पिताजी का डेथ हुआ, हमारे पिताजी का जो इसमें जान गया लड़ते लड़ते, और इससे क्या इज्जत मिली पूरे देश में, यह बहुत बड़ी बात है, इसको हम लोग सभी देखेंगे। और 1 महीने पहले से ही पूरे शहर में बैनर पोस्टर का युद्ध होगा, और यहाँ के भी रहेंगे माननीय हमारे कुछ मित्र रहेंगे, हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, बहुत लोग यहाँ के भी रहेंगे, लेकिन हमारे दिल्ली वाले जो है डिफेंस मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर को बुलाया है, इसमें हमारे ठाकुर साहब रहेंगे और भी लोग रहेंगे। सुना मैडम ने मैत्री की तरफ से आपको बताया और डॉक्टर सहजानंद साहब ने भी बताया, ये जो कार्यक्रम हम करने के पीछे बैकड्रॉप पे नहीं देखा, केवल 1971 की लड़ाई, जिसका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 50वें साल उस युद्ध के,
उस अवसर का ही ये एक कार्यक्रम है जिसमें बिहार और झारखंड के जो सैनिक जिन्होंने हिस्सा लिया और उनकी वीर नारियां उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम।